नमस्कार, आप देख रहे हैं मातृभूमि न्यूज और मैं हूं आपके साथ सोनिया शर्मा। वक्त हो चला है खबरों का, तो आइए रुक करते हैं खबरों की तरफ। संवाददाता सुरेश पायता की रिपोर्ट के अनुसार बड़ौद कस्बे में 10 दिवसीय संगीतमय रामलीला का हुआ शुभारंभ। संवाददाता दुष्यंत सिंह गहलोत की रिपोर्ट के अनुसार ओवर स्पीड मोटरसाइकिल सवार और साइकिल सवार युवक का जबरदस्त एक्सीडेंट, बाइक सवार के सर में आई गंभीर चोट और साइकिल सवार के भी सर में आई चोट। संवाददाता दुष्यंत सिंह गहलोत की रिपोर्ट के अनुसार म्यूजिक की डिग्री की विसंगति दूर करने की मांग को लेकर JDP कॉलेज की छात्राएं सर्द रात में दूसरे दिन भी धरने पर बैठी रही। संवाददाता दुष्यंत सिंह गहलोत की रिपोर्ट के अनुसार कोटा में GST की टीम ने गुमानपुरा में बड़ी कार्यवाही करते हुए कई दुकानों में सर्च ऑपरेशन चलाए। उधर स्टेट GST की टीम ने गुमानपुर स्थित सेंटर क्वायर मॉल की कई मोबाइल की दुकानों और ब्यूटी पार्लर पर GST चोरी की सूचना पर सर्च ऑपरेशन चलाया। संवाददाता दुष्यंत सिंह गहलोत की रिपोर्ट के अनुसार विद्युत प्रसारण वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता पुरुष क्रिकेट फाइनल विजेता टीम कवाई रही, वह महिला फाइनल टीम पिंक विजेता रही। संवाददाता इंसाफ अली की रिपोर्ट के अनुसार छिपा बड़ोद में सेहजनपुर पंचायत के ग्रामीणों ने नरेगा कार्य में फर्जीवाड़े का लगाया आरोप। बामन खोह गांव में चल रहे मनरेगा कार्यस्थल पर अनुपस्थित मिले श्रमिक। संवाददाता राजेंद्र मेघवाल की रिपोर्ट के अनुसार 3 वर्ष से अधिक समय से फरार 5,000 रुपये का इनामी उद्घोषित अपराधी वाहन स्वामी गिरफ्तार किया। संवाददाता महावीर मुरली की रिपोर्ट के अनुसार अखिल भारतीय असंगठित कामगार एवं कर्मचारी कांग्रेस ने 12 जिले नए पदाधिकारियों की नियुक्तियां की। दोसे खान जुनेजा की रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य महंत प्रतापपुरी ने शुक्रवार को फलसुंड मंडल के फलसुंड पारासर रावतपुरा धर्मासर मानासर खुमानसर श्यामपुरा नेतासर सोहनपुरा पदमपुरा सहित गांवों का दौरा करते हुए स्थानीय समस्याओं के समाधान का ग्रामीणों को आश्वासन दिया। संवाददाता प्रेम शंकर शांत की रिपोर्ट के अनुसार अंता में डॉक्टर रवि कुमार नागर बने OBC महासभा में कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष। संवाददाता आयुष गौतम की रिपोर्ट के अनुसार देही कस्बे के बासी रोड स्थित आध्यात्मिक ज्ञान आश्रम के महामंडलेश्वर स्वामी सच्चिदानंद गिरी महाराज ने कहा कि अगर 15 फरवरी तक स्टेट हाईवे 34 चौक नगर देह खटकड़ केपाटन सड़क की जेतपुर से खटकड़ तक अटकी सड़क का निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ तो बजट स्वीकृत नहीं हुआ तो होगा आंदोलन। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए देश हित की बात मातृभूमि न्यूज के साथ।